स्टूडेंट आज पढ़ते हैं पुद्दुचेरी के बारे में। ठीक है, ये क्या यूनियन टेरिटरी में आखिरी टॉपिक बचा है। ठीक है, तो इसके बारे में पुद्दुचेरी के बारे में पढ़ना है। आप लोग ये सोचे ये प्रॉपर जगह है, नहीं, ये देश के क्या चार हिस्सों में क्या ये फैला हुआ है, कौन पुद्दुचेरी। तो इसके लिए पढ़ने के लिए तैयार रहिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो आप लोग नए जुड़े हो, पुराने हो, तो कोई बात नहीं, लाइक ठोकिए और शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं ये क्या था, फ्रांसीसी उपनिषद। क्या था, फ्रांसीसी उपनिवेश था कौन सा, पुद्दुचेरी। ये क्या करते थे, इन्होंने इसको सबसे पहले किस नाम से बुलाया था, पांडिचेरी के नाम से बुलाया था, जिसको बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पुद्दुचेरी कर दिया गया। इसका नाम का अर्थ है नया गांव। नया गांव क्या है, इसका नाम का क्या है अर्थ है। और ये किसमें, यह है तमिल लैंग्वेज में, किसमें, तमिल में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इसका इतिहास, इसका इतिहास ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। सबसे पहले इसको क्या हुआ, 300 साल पहले, 300 साल तक, सॉरी 300 साल वर्षों तक क्या रहा, फ्रांसीसी युग का क्या रहा, यहाँ पर अधिकार रहा, मतलब कि इनका क्या रहा, यहाँ पर अधिकार रहा, कितने 300 साल तक क्या रहा, फ्रांसीसी का अधिकार रहा पुद्दुचेरी पर, क्योंकि इनका क्या था, ये उपनिषद था। इनकी वास्तु, इनका क्या क्या साक्ष्य मिलते, इनकी वास्तु शिल्प प्लस संस्कृति। ठीक है, वास्तु शिल्प, ठीक है, वास्तु शिल्प और संस्कृति देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है अध्यात्म का क्या है, एक केंद्र के रूप में क्या होता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, कौन से, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि से क्या होता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। और ये देश के क्या है, चार अलग अलग हिस्सों में क्या है फैला हुआ है, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या, लास्ट में बतानी है ये क्या है, चार पृथक जिलों में, क्या है, चार पृथक जिलों में। ठीक है, बताते हैं कौन कौन से। ठीक है, जैसे कि पुद्दुचेरी, एक और चाय इसमें, पुद्दुचेरी का पुद्दुचेरी शहर, नेक्स्ट है कराईकल तमिलनाडु में। ठीक है, याना ये कहा है, आंध्र प्रदेश में, और ये है महे, ये है केरल में। ठीक है, ये क्या है, देश के चार अलग अलग जगह, पुद्दुचेरी शहर है कराईकल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वो भी पुद्दुचेरी का हिस्सा है, याना ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये भी पुद्दुचेरी का, माहे ये क्या है, ये भी पुद्दुचेरी का ही क्या है, एक हिस्से के रूप में पूरे देश में क्या है फैला हुआ। अब चलते हैं इसके बारे में, का गठन, कैपिटल जनसंख्या राजभाषा, गठन कैपिटल जनसंख्या राजभाषा और क्षेत्र। अब देश के चार क्षेत्र में फैला है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम ही है, 492 किलोमीटर पर स्क्वायर। यहाँ की भाषा है तमिल, तमिलनाडु के पास है, अंग्रेजी क्योंकि अंग्रेज थे, और मलयालम क्योंकि ये कहाँ पे, केरल के पास स्थित है, और तेलुगु क्योंकि ये तमिलनाडु में भी स्थित है। ठीक है, तमिल तमिल और तेलुगु क्या होगा, ये किसी की जगह की है, मलयालम केरल की मान लो। ठीक है, और अंग्रेजी आंध्र प्रदेश की मान लो। ठीक है,
जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या यहाँ की है 12,47,953 और कैपिटल यहाँ की है, ये खुद ही कैपिटल है, ठीक है। और गठन कब हुआ था इसका, 1 नवंबर 1954 को क्या हुआ था इसका गठन हुआ था। और देश के क्या होंगे, अलग अलग चार शहरों में ये फैली हुई है, मतलब कि एक तरीके से आप इसके बारे में सर्च करोगे तो बहुत अच्छी चीजें क्या है इसके सामने आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी पूरी यूनियन टेरिटरी, पूरे स्टेट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब स्टेट और इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम स्टैटिक जीके के, जो कि आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, आप लोगों के पेपर्स में क्या होंगे, काम में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद संविधान और केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाद में। आज के लिए इसमें इतना ही।